हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीता, मेरी टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मेरी वीडियो की टॉपिक है गार्डन से स्लग और स्नेल को कैसे मैजिकली दूर रखा जाए। ज़्यादातर स्लग और स्नेल मॉनसून के टाइम में ही गार्डन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, स्लग और स्नेल प्लांट्स के लीव्स और प्लांट्स के रूट खाकर हमारी प्लांट्स को मार सकते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, इस क्यूकम्बर प्लांट के साथ हुई है। देखिए फ्रेंड्स, इस ग्रो बैग में आपको बहुत से छोटे छोटे स्नेल दिख रही होगी। ये बहुत खतरनाक होती है। इन सेल्स ने देखिए मेरी क्यूकम्बर प्लांट्स के रूट खा लिया है। इसके कारण ही मेरी क्यूकम्बर प्लांट्स मर गई है। फ्रेंड्स, आपके प्लांट के साथ ऐसे प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आज मैं 3 मैजिकल होम रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी। फास्ट होम रेमेडी को अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए एक सेल्स को पहले अच्छी तरह वॉश करना पड़ेगा। अच्छी तरह वॉश करने के बाद 30 मिनट्स पानी में बॉईल करना पड़ेगा। एक शेल को 30 मिनट्स पानी में बॉईल करने से इसमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया रहती है वो सब मर जाएगी। 30 मिनट्स पानी में बॉईल करने के बाद एक शेल को माइक्रोवेव ओवन या सनलाइट में अच्छी तरह ड्राई करके क्रश करना पड़ेगा। आप क्रश किया हुआ एक शेल लेकर कंटेनर के सॉइल के ऊपर ठीक इस तरह मल्चिंग करना पड़ेगा, क्योंकि स्लग और स्नेल की इनर बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो क्रश एक शेल की शार्प पार्ट्स स्लग और स्नेल की इनर बॉडी को काट देगी और इसके फलस्वरूप स्लग और स्नेल मर जाएगी। सेकेंड होम रेमेडी को अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए कुछ गार्लिक क्लोव्स। इन गार्लिक क्लोव्स को पहले क्रश करना पड़ेगा। इसके बाद गार्लिक क्लोव्स के साथ 1 टीस्पून कॉफी पाउडर और 200 ml पानी लेकर मिक्स करके हाफ एन आवर ऐसे ही रखना पड़ेगा। हाफ एन आवर के बाद एक स्प्रे बॉटल में 1 लीटर पानी में इस सॉल्यूशन को एक स्ट्रेनर के मदद से छानकर अच्छी तरह मिक्स करना पड़ेगा। अब इस सॉल्यूशन को आप आपके प्लांट्स में या प्लांट्स के सॉइल में 7 डेज के अंतराल में आप स्प्रे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कॉफी में कैफीन रहते हैं, इसके कारण स्लग और स्नेल को इसकी स्मेल एकदम अच्छी नहीं लगती। थर्ड होम रेमेडी को अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए रॉक सॉल्ट। फ्रेंड्स, आपके गार्डन में जहाँ पर ही कोई स्लग और स्नेल दिखे, आपको करना है कि थोड़े से रॉक सॉल्ट लेकर स्लग और स्नेल के ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है। देखते ही देखते सारे स्लग और स्नेल आपके सामने मर जाएगी। फ्रेंड्स, आप कंटेनर के चारों ओर रॉक सॉल्ट लेकर ठीक इस तरह स्प्रिंकल करके भी स्लग और स्नेल को आपके कंटेनर के अंदर जाने से रोक सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप आपके गार्डन में इन 3 मेडिकल होम रेमेडीज को अप्लाई करते हैं तो आपके गार्डन 100% स्लग और स्नेल से फ्री हो जाएगी। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज यही तक, बाय।